हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के मॉडल क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो पूर्णतः न्यू पैटर्न यानी 2020 पर आधारित है। फ्रेंड्स, प्रीवियस एग्ज़ाम यानी कि 2016 में जो पैटर्न था, उसका पैटर्न पहले आपको बता देते हैं। उसे पैटर्न था कि 75 नंबर आपका ट्रेड थ्योरी और 25 नंबर में जीके, रीजनिंग, मैथ्स, ये सब आना था। लेकिन क्या आया था, 75 नंबर आपका टेट थ्योरी था और 25 में मैथ्स या जीके था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नया पैटर्न है, तो इस पैटर्न में यहाँ पर 200 का पेपर होने वाला है, जिसमें टेट थ्योरी आपका 100 नंबर का रहेगा और नॉन टेक्निकल में हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, जीके, रीजनिंग और जनरल साइंस रहेगा। ये रहेगा आपका 100 का। तो कुल मिलाकर के आपका टोटल पूर्णांक होने वाला है इस बार का 200 का। तो यहाँ पर ट्रेड थ्योरी और यहाँ पर नॉन टेक्निकल में जीके, रीजनिंग, मैथ्स वगैरह भी पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ज़्यादातर यहाँ पर ध्यान देना है, अपने ट्रेड थ्योरी पर ध्यान देना है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन को भी आपको पढ़ते रहना है। तो आइए, यहाँ पर जो आपका ट्रेड थ्योरी, अगर आप कोपा से हैं तो इसके लिए हम मॉडल आंसर देखते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं, आइए टेट थ्योरी देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टेट थ्योरी का कोपा के लिए। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सपेक्ट ऐप। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर है प्रिंटर, यानी कि प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, बाकी ऊपर की ये तीन इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की किस पर्पज के लिए यूज की जाती है? तो कॉपी के लिए यूज होता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, राइट आंसर कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अ कलेक्शन ऑफ लाइन दैट कनेक्ट सेवरल डिवाइसेस इज कॉल्ड। लाइनों का संग्रह जो कई डिवाइसेस को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको, हम बस कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर हम क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, तो इस वीडियो में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें कॉमन से हैं, ठीक है। और यहां पर केवल हम बताते जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, किस तरह के पैटर्न रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जांपल ऑफ B2C ई कॉमर्स। तो देखिए, आप देखे होंगे कि जो कोपा का सिलेबस है, तो उसमें ई कॉमर्स सब्जेक्ट भी है, तो ई कॉमर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 4th नंबर क्वेश्चन ई कॉमर्स से है। यह पूछ रहा है कि कौन सा B2C ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो यहाँ पर B2C का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, राइट आंसर eBay.com B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर का एग्जाम्पल नहीं है, बाकी Amazon, Dell.com और Lastminute.com ये सब B2C के एग्जाम्पल हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन है, URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सेल में फार्मूला किस सिंबल से स्टार्ट होता है? तो एक्सेल में जो फार्मूला होता है हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ईमेल सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय। ईमेल सिक्योरिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? तो ईमेल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है GPG, प्रिटी गुड प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस किस टैब के अंतर्गत आता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन आपका होम टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एडिटिंग एंड स्टाइल ग्रुप किस टैब के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है, होम टैब के अंतर्गत भी आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट रूप से कौन सा हेडिंग होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल होता है, इसके बाद आप हेडिंग 1, हेडिंग 2 भी कर सकते हैं, लेकिन डिफॉल्ट रूप से नॉर्मल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टाइल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको स्टाइल ओपन करना है तो अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी प्लस यस का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो रिप्लेस के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस यस करेंगे तो रिप्लेस डायलॉग बॉक्स खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फाइंड के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो फाइंड के लिए कंट्रोल प्लस एफ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गो टू के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो गो टू के लिए यूज किया जाता है। यहां पर अगर आप एफ फाइव प्रेस करेंगे तो गो टू ओपन होगा, कंट्रोल जी करेंगे तो फिर भी गो टू ओपन होगा, अल्ट प्लस एच प्लस एफ डी करके जी करेंगे फिर भी गो टू डायलॉग बॉक्स खुलेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट ऑल की कुंजी कंट्रोल ए है जो कि किस टैब के अंतर्गत आता है? तो किस टैब के अंतर्गत आता है? ये होम टैब के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम जूम कितना होता है? 10 और मैक्सिमम कितना होता है? 500 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिबन को मिनिमाइज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो रिबन को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल प्लस F1 का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, राइट आंसर कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में फोर्क का क्या मतलब होता है? फोर्क का मतलब होता है कि क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोसेस। अगर आप न्यू प्रोसेस क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होता है? वो फोर्क कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी पीसी में डॉस रन कर रहा होता है तो निम्न में से कौन सा कमांड पूरी डिस्क को डुप्लीकेट करने में काम आता है? तो कौन सा होता है? राइट आंसर डिस्क कॉपी। डिस्क कॉपी का यूज होता है, डिस्केट को डुप्लीकेट करने के यूज में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में ये हो गया है, फोर्क हो गया है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, नॉन प्रॉफिटेबल संस्था के लिए कौन सा डोमेन यूज किया जाता है? तो एनजीओ के लिए अगर यूज करना चाहते हैं, या नॉन प्रॉफिटेबल जो प्रॉफिटेबल संस्था होती है उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? .org यानी कि .organization नाम का डोमेन यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRC का मतलब क्या होता है? तो IRC का मतलब होता है इंटरनेट रिले चैट। IRC का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो MS Excel का क्या यहाँ पे जो दिया गया है पैटर्न, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका आउटपुट होगा 4 होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो काउंट फंक्शन होता है तो क्या काउंट करता है? यहाँ पर नंबर काउंट करता है। तो यहाँ पे कितने नंबर है? 1, 2, 3, 4 नंबर। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो मोड का यूज क्या होता है? शेष निकालना। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस नहीं होता है? तो कौन सा सेल रेफरेंस नहीं होता है? देखिए, रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, मैक्स सेल रेफरेंस होता है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस होता है, परंतु नॉर्मल सेल रेफरेंस नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में कौन सा चिन्ह फार्मूला के यूज के लिए होता है? तो फार्मूला यूज करने के लिए एक्सेल में हमेशा इक्वल सिंबल से स्टार्ट किया जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्कैटेनेट फंक्शन का यूज किस लिए करते हैं? कॉन्कैटेनेट फंक्शन का यूज होता है दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने के लिए। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा वेलकम टू एग्जाम किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे दिया गया है जो लेफ्ट CPCT एग्जाम टेस्ट फॉर यू, और यहाँ पे 4 दिया है, यानी कि लेफ्ट से आपको 4 कैरेक्टर निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका? CPCT। राइट आंसर क्या हो जाएगा? CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित MS Excel फार्मूला का आउटपुट क्या होगा? तो यहाँ पे दिया गया है 38 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे जो ट्रू है, कंडीशन दिया गया ट्रू है, ट्रू की कंडीशन में पास रिटर्न करेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा प्रथम सेल का नाम है? फर्स्ट सेल का नाम क्या होता है? एक्सेल में A1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित में किस सेल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी भी सेल का नाम कहाँ पर दिखाई देता है? हमेशा नेम बॉक्स में ही दिखाई देता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर नेम बॉक्स हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित किस शॉर्टकट की इसका प्रयोग रो या कॉलम को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। अगर आपको एक न्यू रो या कॉलम इंसर्ट करना है तो इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कीज का प्रयोग ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए किया जाता है। तो ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर के द्वारा आप ट्रांसपोज फंक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। क्या प्रेस करके, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इंटर प्रेस करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, नोट पैड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। जो नोट पैड फाइल होता है तो उसका वो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है और उसका एक्सटेंशन होता है डॉट टीएक्सटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस इज एट Which type of device? माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है। तो माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीनतम गणना यंत्र है। Which is the oldest calculating device? सबसे प्राचीनतम गणना यंत्र कौन सा है, अबेकस सबसे प्राचीनतम गणना यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क फर्स्ट का विकास किसके द्वारा किया गया था। मार्क फर्स्ट का विकास किसके द्वारा किया गया था, जो मार्क फर्स्ट कंप्यूटर है हार्वर्ड आइकन के द्वारा डेवलप किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्क फर्स्ट कंप्यूटर इज डेवलप्ड बाय विद द हेल्प ऑफ डॉट डॉट आईटी कंपनी। मार्क फर्स्ट कंप्यूटर का विकास किस कंपनी की सहायता से किया गया था, तो किस कंपनी की सहायता से किया गया था, आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। संसार का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है, तो संसार का पहला डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का नाम है एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, In 1946, J.P. Eckert and John Moseley developed a fully electronic computer. This computer was 1946 में J.P. Eckert एवं John Moseley ने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का निर्माण किया था। उसका नाम क्या था, उसका क्या नाम था, ENIAC कंप्यूटर था। जो कि कभी कभी पूछता है कि ENIAC का डेवलप किसने किया था, तो ENIAC का डेवलपमेंट किया था J.P. Eckert एंड John Moseley ने किया था। तो इसको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा ENIAC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन इन डेवलप्ड बाय। जो डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन है तो किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो ये चार्ल्स बैबेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट प्रोग्रामिंग इन द वर्ल्ड। तो संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है, तो लेडी एडा अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। तो आधुनिक कंप्यूटर का विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन का विकास कब किया था। तो ब्लेज पास्कल ने जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है इसका डेवलपमेंट किया था 1642 में, 1642 में किया गया था इसका आविष्कार 1642 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ द स्टोर्ड प्रोग्राम। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया, तो स्टोर्ड प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है तो नॉन वन विमान के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप द पंच कार्ड यूज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो पंच कार्ड यूज होता है उसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया है, हरमन होलरिथ के द्वारा पंच कार्ड का डेवलपमेंट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ENIAC का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर होता है ENIAC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 है, एडी वैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एडी वैग का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवैक इज स्टैंड फॉर। यूनिवैक का आशय क्या होता है, यानी कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंटेल 4004। इंटेल 4004 क्या है, तो ये क्या है, प्रोसेसर का नाम, माइक्रो प्रोसेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, हाउ मेनी जनरेशन इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुल कितनी पीढ़ी है, तो 5 पीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंप्यूटर कंपोनेंट वाज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया था, तो वैक्यूम ट्यूब यूज किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन में किस भाषा का यूज किया गया था, कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन में कौन सी भाषा यूज की गई थी, मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ENIAC, ENIAC and Mark First computer is example of which generation? ENIAC, ENIAC और Mark First किस generation के computer हैं? तो किस generation के computer हैं ये?
ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1952 हु डेवलप्ड द असेंबली लैंग्वेज। 1952 में असेंबली भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ग्रेस हॉपर के द्वारा किया गया। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था? तो प्रथम पीढ़ी का जो ड्यूरेशन था 1942 से 1955 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल क्या था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल था 1955 से 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंपोनेंट वाज यूज्ड इन द सेकंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर इन द प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह पर किस घटक का या किस कंपोनेंट का यूज किया गया था? तो किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो कंप्यूटर के दूसरी पीढ़ी में किस भाषा का यूज किया गया? असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असेंबली भाषा में किस कोड का प्रयोग किया जाता था? तो किसका यूज किया जाता था? न्यूमेरिक कोड का यूज किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक डिस्क एवं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किस पीढ़ी से शुरू हुआ? यूज ऑफ मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच जनरेशन। किस जनरेशन से स्टार्ट किया गया? सेकंड जनरेशन से स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज ऑफ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के किस जनरेशन से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो किस जनरेशन से स्टार्ट हुआ है? ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबोल एंड फोर्टान इज डेवलप्ड बाय व्हिच सॉफ्टवेयर कंपनी। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और फार्मूला ट्रांसलेशन जो लैंग्वेज है किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया? तो ये इंटरनेशनल बिजनेस मशीन यानी कि IBM के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर वाज डेवलप्ड बाय, ट्रांजिस्टर का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ट्रांजिस्टर का जो विकास है वर्डिन सॉकले एंड ये बार्टिन के द्वारा किया गया। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में कौन सा GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है? तो यहां पर जो GUI प्रकार का सॉफ्टवेयर नहीं है तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि DOS नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संगठित तरह के डाटा का संग्रह है ताकि इसे आसानी से एक्सेस मैनेज और अपडेट किया जा सके। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा होता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर मेमोरी व्हिच अमंग ए इनकरेक्ट टाइप ऑफ रोम। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में जो एक गलत प्रकार का रोम है, तो गलत प्रकार का रोम इसमें कौन सा है? यहाँ पर EEEP रोम नहीं होता है, बाकी ये होते हैं। ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए नेविगेशन की ऑन योर कीबोर्ड। आपके कीबोर्ड पे नेविगेशन कुंजी कौन सी नहीं होती है? तो नेविगेशन कौन सी नहीं होती है? होम, एंड और पेज अप होता है, लेकिन अल्ट को नेविगेशन कुंजी नहीं कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज ए पैटर्न यूज टू डिस्क्राइब कंप्यूटर स्टोरेज। कंप्यूटर भंडारण का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द कौन सा है? तो कौन सा होता है? मीडिया, मीडिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हिच अमंग ए इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनपुट और आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में जो एक गलत कथन है, तो कौन सा गलत कथन है? इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं, आउटपुट को दिखाने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, ये गलत है। ओके, तो आउटपुट दिखाने के लिए हमेशा आउटपुट डिवाइस का यूज किया जाता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू MS विंडोज रिलीज व्हिच ईयर इज ए इनवैलिड ऑप्शन। MS विंडोज रिलीज वर्ष के संदर्भ में जो एक अमान विकल्प है, तो कौन सा अमान विकल्प है? यानी कि विंडोज 97 को 97 में नहीं किया गया, यानी कि विंडोज 98 होता है, यहाँ पे विंडोज 97 दिया जाएगा, जबकि यहाँ पे ऑफिस होता है 97, लेकिन विंडोज 98 होता है, 97 नहीं होता है। तो यहाँ पर ये सही है, विंडोज 1.1 85 में आया। कभी कभी ऐसा भी पूछ लेता है कि विंडोज 1.0 कब आया, तो कब आया? 1985 में आया। विंडोज 3.0 कब आया? 90 में आया। विंडोज XP कब आया? 2001 में आया, लेकिन ये विंडोज 98 है, 97 नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो अमान विकल्प है कौन सा है? डी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट ए स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो देखिए, जो स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर होता है तो गूगल शीट होता है, ओपन ऑफिस कैल्क होता है, लोटस जो डॉस बेस्ड होता है ये होता है, बट MS पब्लिशर स्प्रेड शीट सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा MS पब्लिशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर पोर्ट व्हिच इज ए इनकरेक्ट ऑप्शन, कंप्यूटर पोर्ट के संदर्भ में कौन सा विकल्प विकल्प नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर फायरवॉल पोर्ट, बायोस पोर्ट, ये पोर्ट नहीं होते हैं, बाकी के पोर्ट होते हैं। सीरियल पोर्ट होता है, पैरेलल पोर्ट होता है, PS2 पोर्ट होता है, USB पोर्ट होता है, BGP पोर्ट होता है, पावर कनेक्शन पोर्ट होता है, फायरवॉल पोर्ट होता है, यहाँ पे फायरवायर पोर्ट होता है, मॉडेम पोर्ट होता है, इथरनेट पोर्ट होता है, गेम पोर्ट होता है, DVI पोर्ट आता है, लेकिन फायरवॉल पोर्ट या बायोस पोर्ट नहीं होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंप्रूव परफॉर्मेंस बाय द हैंडलिंग एक्सटर्नल स्टोरेज, इंप्रूविंग एक्सेस स्पीड एंड प्रोवाइडिंग रिलायबल स्टोरेज। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रिडंडेंट अरे ऑफ इनएक्सपेक्टिव डेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट यूज टू इनेबल डिसेबल द माउस की, माउस कुंजी को इनेबल डिसेबल करने के लिए किसका यूज करते हैं, लेफ्ट अल्ट प्लस, लेफ्ट शिफ्ट प्लस नम लॉक को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ये प्रेस करके। ओके फ्रेंड्स, तो लेफ्ट अल्ट बटन दबाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट बटन दबाएंगे और नम लॉक करेंगे तो क्या हो जाएगा, माउस की क्या हो जाएगा, इनेबल डिसेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच शॉर्टकट की यूज टू शिफ्ट कंट्रोल अल्ट की फॉर प्रेसिंग वन की एट ए टाइम, कौन सी की का आप एक बार में एक कुंजी दबाकर शिफ्ट कंट्रोल अल्ट विंडोज लोगों का उपयोग कर सकते हैं, तो किसका कर सकते हैं, स्टिकी की का यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा स्टिकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम और EXT इज इंप्लीमेंटेड इन 1992, व्हिच इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो फाइल सिस्टम EXT 1952 में लागू किया गया था तो किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है, तो ये हमेशा लाइनेक्स में यूज होता है और लाइनेक्स के अधिकतर फ्लेवर्स में यही होता है, कौन सा एक्सटेंशन, EXT एक्सटेंशन लागू होता है, फाइल सिस्टम है ये। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर लाइनेक्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट MS Excel व्हिच इज ए इनवैलिड ऑप्शन, MS Excel के संदर्भ में कौन सा इनवैलिड ऑप्शन है, तो यहां पर AVG एवरेज होता है, एवरेज या होता है, एवरेज इफ फंक्शन होता है, लेकिन AVG फंक्शन नहीं होता है, इसकी जगह पर क्या होता है, एवरेज होता है, ये राइट आंसर होगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, AVG, क्योंकि AVG अमान्य फंक्शन है, AVG फंक्शन एक्सेल में नहीं होता बल्कि एवरेज होता है, पूरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर द फंक्शन बेस 10-2 इन ओपन ऑफिस कैल्क, ओपन ऑफिस कैल्क में फंक्शन 10-2 के लिए आउटपुट क्या होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 10-10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NTFS फाइल सिस्टम इज कम विथ ऑपरेटिंग सिस्टम इन ईयर, NTFS फाइल सिस्टम किस वर्ष में ऑपरेटिंग, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आया, तो किसके साथ आया है, विंडोज NT के साथ, 1993 में आया है, क्या ये NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम विंडोज NT के साथ आया है और कब आया है, 1993 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंटर व्हाट इज द फ्यूजर रोलर कोटेड विथ, प्रिंटर के संदर्भ में फ्यूजर रोलर किसके साथ लेपित होता है, प्रिंटर के संदर्भ में फ्यूजर रोलर किसके साथ कोटेड होता है यानी कि लेपित होता है, तो ये होता है टेफ्लॉन के माध्यम से ये लेपित होता है यानी कि कोटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंक ब्लीडिंग इंक कैरिड साइडवे कजिंग वर्ल्ड इफेक्ट ऑन सम पेपर इट्स डिसएडवांटेज ऑफ, यानी कि स्याही का बहना कागजों पर धुंधला प्रभाव पैदा करना किस प्रकार के प्रिंटर की ये एरर है या त्रुटि है, तो ये होता है इंकजेट प्रकार के प्रिंटर का ये डिसएडवांटेज है, जो यहाँ पे ये क्वेश्चन बना दिया है ये इंकजेट प्रकार के प्रिंटर की डिसएडवांटेज है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ग्रुप ऑफ 8-bit इज कॉल्ड, 8-bit का समूह को हम क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं, यानी कि 8-bit बराबर 1 byte होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिस्पेक्ट टू क्रिप्टोग्राफी व्हिच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो क्रिप्टोग्राफी के संदर्भ में कौन सा गलत है, चिपर टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है, नहीं, चिपर टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा नहीं जा सकता है, प्लेन टेक्स्ट को पढ़ा जाता है आसानी से, चिपर टेक्स्ट को नहीं पढ़ा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन के कार्डी राइट आंसर हो जाएगा चिपर टेक्स्ट को आसानी से पढ़ा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क टोपोलॉजी विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कंप्यूटर नेटवर्क के टोपोलॉजी के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो कौन सा गलत है यहाँ पे, स्टार इसमें से एक मुख्य हब नहीं होता है, तो स्टार में तो मुख्य हब होता है, तो इस क्वेश्चन के कारण राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू चेकसम विच फाइल इज इनकरेक्ट फाइल फॉर्मेट, चेकसम फाइल के संदर्भ में जो एक गलत फाइल सिस्टम है, तो कौन सा गलत है इसमें, SSH1। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, मालवेयर का एक प्रकार है जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ता की गैर जानकारी में उनके बारे में सूचनाएं एकत्र कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, उसको स्पायवेयर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्ब एरर किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, तो बॉम्ब एरर बहुत आता है भाई, बॉम्ब एरर लोग हर एग्जाम में पूछता है, कोई ना कोई एग्जाम यानी कि ये 80-90% एग्जामों में अक्सर पूछ लेता है, चाहे वो सीपीसीटी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, ठीक है। तो बॉम्ब एरर किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है ये, तो ये जो बॉम्ब एरर है तो ये मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिस्टम बायोस एंड कैन होल्ड डाटा परमानेंटली इवन विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, किस चिप में सिस्टम बायोस है और बिना बिजली के भी डेटा को स्थायी रूप से पकड़ सकता है यानी कि स्टोर कर सकता है, तो कौन करता है वो, फ्लैश रोम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है निरंतर संवेदी डेटा को डिजिटल रूप से परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है, सैंपलिंग एंड क्वांटाइजेशन दोनों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटर इन विच प्रिंटिंग हेड एंड पेपर इज फोर्स्ड टूगेदर टू फॉर्म द लेटर इज कॉल्ड, प्रिंटर जिसमें प्रिंटिंग हेड और पेपर को एक साथ अक्षरों को बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, इंपैक्ट प्रिंटर कहा जाता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर में क्या होता है, हेड्स एंड पेपर क्या होते हैं, आपस में हिट करते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंपैक्ट प्रिंटर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट कॉमर्शियल 3D प्रिंटिंग मशीन वेयर बिल्ड इन, पहली वाणिज्यिक 3D प्रिंटिंग मशीन का निर्माण कब किया गया था, तो कब किया गया था, 1989 में फर्स्ट 3D प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया गया था, वो भी कॉमर्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रिंटर अक्षरों को कागज पर छापने के लिए स्याही भरी रिबन इन्हें मारते हैं यानी कि हिट करते हैं तब हम अक्षर कागज पर छाप सकते हैं और यह अपना कार्य बिल्कुल टाइपराइटर की तरह करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको इंपैक्ट प्रिंटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर www, www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, तो HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल HTTP का यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है जंक ईमेल इज अनसोलिसिटेटेड ईमेल दैट वांट टू सेल यू समथिंग, जंक ईमेल इज ऑफन सेंट एस, जंक ईमेल मनचाही ईमेल है जो आपको कुछ भेजना चाहता है या बेचना चाहता है, जंक ईमेल को अक्सर किसके रूप में जाना जाता है, यानी कि जंक ईमेल क्या होता है, अनसोलिसिटेटेड मैसेज होता है जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, जो क्या होता है, स्पैम होता है, स्पैम को ईमेल अनसोलिसिटेटेड मैसेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड सॉर्टर संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है, तो एमएस पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन सा गलत है इसमें, तो अपनी सभी स्लाइड को छोटे थंबनेल या लघु के रूप में कर सकते हैं, अपनी पावर पॉइंट प्रस्तुति में स्लाइड को क्रम में फिर से व्यवस्थित कर सकते हैं, बाकी यानी कि तीनों सही है यानी कि सभी को कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कट कमांड चयनित डेटा को उसकी मूल स्थिति से हटा देता है जबकि कॉपी कमांड एक डुप्लीकेट बना देता है, दोनों की ही मामलों में चयनित डेटा अस्थायी भंडारण में रखा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड क्या होता है, जब किसी भी मैटर को कट या कॉपी किया जाता है तो वो टेम्पररी रूप से क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ओके फ्रेंड, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा क्लिपबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एमएस एक्सेल वेयर मर्ज सेल ऑप्शन इज अपीयर अंडर फॉर्मेट सेल, एमएस एक्सेल के संदर्भ में जहां फॉर्म सेल के तहत मर्ज सेल विकल्प दिखाई देता है, तो कहां पे दिखाई देता है, ये हमेशा अलाइनमेंट में दिखाई देता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ए समरी ऑफ ए लार्ज डाटा सेट दैट इंक्लूड टोटल्स फिगर्स एवरेज मीन मैक्सिमम इटीसी। एक बड़े डेटा सेट का सारांश है जिसमें आमतौर पर कुल आंकड़े औसत न्यूनतम अधिकतम आदि शामिल होता है, तो वो कौन होता है? पावर टेबल होता है, एक्सेल में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू एमएस एक्सेल व्हिच शॉर्टकट की यूज टू ओपन विजुअल बेसिक एडिटर। एमएस एक्सेल के संदर्भ में विजुअल बेसिक एडिटर खोलने के लिए किस कुंजी का यूज करते हैं? राइट आंसर अल्ट एफ 11। ओके फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको नॉन टेक्निकल में आपको बताएंगे, दिखाएंगे किस तरह से पैटर्न हो सकता है हिंदी इंग्लिश मैथ जीके रीजनिंग और जनरल साइंस में, और जस्ट हमारा दूसरा वीडियो इसी से रिलेटेड आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप आईटीआई टीओ या सीपीसीटी या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।